हेलो वेलो, क्वैक बाइज हियर। और ये सीरियल में हीरो पतंग के खींचने से सीधा बालकनी से नीचे आ गिरता है। अब इसके बाद हीरो नीचे गिर के मरना चाहिए था, पर नहीं। एज यूजुअल हीरोइन भी अपने हीरो को बचाने के लिए बालकनी से कूद पड़ती है। अब इधर तक तो सीन क्रिंज था ही, पर आगे जो हुआ उससे तो सीन टट्टी बन गया। कैसे? गिरते गिरते हीरोइन ने एक हाथ से पतंग को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से हीरो को, और दोनों पतंग पे लटकते लटकते बच गए। मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो, नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक पतंग से लटक के कैसे कोई बच सकता है, आगे जरूर जानेंगे। पर ये लड़की ऐसे स्टंट करने में माहिर है। दूसरे एक सीन में इस हीरोइन की माँ इसे पेड़ से बांधती है, तो उससे खुद को छुड़ाने के लिए हीरोइन ने पीठ पे ही पेड़ को उठा लिया। और इस 5 फुट की लड़की की ये करतूत देख के हमारा बाहुबली भी शर्मा गया और कुछ इस तरह लॉजिक की तशरीह फाड़ दी गई और दिमाग का भरोसा तोड़ा गया। पर ऐसे सीन की फैक्ट भाई के पास कोई कमी नहीं है। ऐसा ही लॉजिकल एक सीन है जिसमें लड़की का दुपट्टा पैन में फंस जाता है और उससे हीरोइन को बचाने के लिए हीरो दुपट्टा चबाने लगता है। वियर्ड राइट? ऐसा उसने क्यों किया, जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। आप खाने के टेबल पे ज्यादा से ज्यादा क्या डिस्कस करते होंगे? आज का दिन कैसा रहा या कोई भी रोजमर्रा की चीज, राइट? पर साथ निभाना साथिया के राइटर ने तो हद ही कर दी। सीरियल ना ही आगे बढ़ पा रहा है और ना ही प्लॉट में कोई ट्विस्ट आ रहा था। फिर क्या, राइटर ने सोचा होगा कि जो चीज मुझे सबसे पहले दिखेगी मैं वो चीज सीरियल में घुसा दूंगा। और बस ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे आ गया चूहे का डिस्कशन। चूहे का घर में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। घर में बच्चे हैं, बा है, राधा भी गर्भ से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। क्या ही कह दिया कोकिला बहन ने, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो पालते हैं ना चूहे को। और इस सीरियल के सारे लोगों की बुद्धि थोड़ी खिसकेली है, तभी बाकी लोग बस मुंडी हिला रहे हैं। वाह क्या बात कही। लेकिन चूहे का डिस्कशन हुआ तो हुआ और डाइनिंग टेबल पर हुआ। और अब कोकिला बहन का आगे का प्लानिंग सुनो। मीठी, हमें बहुत सारी चूहे दानियां लानी होगी और उसे घर के हर एक कोने में रखनी होगी, समझी गई? इतनी प्लानिंग तो टेररिस्ट पकड़ने में भी नहीं होती होगी जितनी इन्होंने एक चूहे के लिए कर दी है। मुझे तो लगता है कोकिला बहन अक्का पिछले जन्म में टॉम की रिश्तेदार रही होंगी, तभी तो इस जन्म में चूहे की जान लेने के पीछे पड़ी है। नंबर 2, दुपट्टा एंड फैन। बूट के सीरियल सोना घर का ये सीन देख के मेरे दिमाग की मांसपेशियां दुखने लगी। चलो यहाँ तक ठीक है कि हीरोइन का दुपट्टा फैन में अटक जाता है, पर उसके बाद जो लोगों के दिमाग की बत्तियां जलते हुए दिखाई हैं, उस पे हम क्या ही बोलें? दुपट्टा गले से बांधा तो नहीं था ना जिससे गला ही दब जाए? और अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, या तो गले से दुपट्टा हटाओ या फैन ऑफ कर दो। पर नहीं, इनको तो बद दिमागी ही दिखानी है। अब यहाँ हीरोइन को फांसी लगे या ना लगे, पर लॉजिक का तो गला दबोच के उसकी हत्या कर दी गई है। लोगों से फैन का स्विच बंद नहीं हो रहा, वो बस चिल्लाए जा रहे हैं और हीरो का दिमाग गाज चलने चला गया है। इसी वजह से तो वो बकरी बनके दुपट्टा चबाया जा रहा है। ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए सीरियल में, जिससे हमारी आंखों की हानि तो कम होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर 3, कटी पतंग। अगले सीरियल के सीन को देखकर आप भी कहोगे कि राइटर ने पक्का दिमाग को निकाल के रख दिया था और घुटने का इस्तेमाल करके सीन लिखा। कुतिया बनाया तुमको, ऐसा क्यों? तो देखो, लग रहा है ना कि पूरा परिवार मिलके खुशी खुशी पतंगबाजी कर रहे हैं। पर अगर हो ऐसा तो वो इंडियन सीरियल कैसा। इसीलिए फिर यहाँ विलेन अपनी टांग अड़ाने आता है और हीरो के पतंग को ऐसे जोर से खिंचा मारता है कि हीरो सीधा बालकनी से नीचे। अब जब खिंचा मारा गया था तो हीरो के पास ऑप्शन था ना रस्सी छोड़ने का, पर नहीं, हीरो को तो गोल गोल हवा में गुलाटी लगाते हुए ही नीचे गिरना था। पर अपने पति परमेश्वर को इंडियन टीवी सीरियल की बहू ऐसे आसानी से कैसे मरने देगी? तो बस वो वंडर वुमन के जैसे सीधा नीचे छलांग लगा देती है। पर असली हद तो तब पार होती है जब हीरोइन एक हाथ से पतंग को पकड़ लेती है और दूसरे से हीरो को, मतलब लोगों की जानें भी कैसे बच रही हैं पतंग से लटक कर, जो कि पहले एकदम नॉर्मल साइज की थी और अचानक से इतनी बड़ी हुई कि दो लोग उस पे लटक पाए। कोई फैक्ट भाई की पतंग को खिंचा मारो, ये देख कर अब मुझे बस ऊपर जाना है। पर ये इल्लत खत्म करने के बाद
नंबर 4 बेगानी शादी में अब्दुल्ला ही दूल्हा। आपने अब तक सीरियल में ये जरूर देखा होगा कि हीरो शादी के मंडप में आके हीरोइन की शादी तोड़ता है या हीरोइन को भगा के ले जाता है, पर अगर आप ये सीन देखोगे तो आपका दिमाग चक्कर खा के घूमने लगेगा। यहाँ पे एक ऐसी शादी चल रही है जहाँ मियां बीवी दोनों राजी हैं, पर दूल्हे के दोस्त को दोनों के बीच टांग लड़ानी है, इसलिए वो ये रजनीकांत वाली हरकत करता है। दूल्हे को धक्का देके खुद के गले में वरमाला पहन लेता है, दूल्हे के हाथ से दूसरी वरमाला छीन के दुल्हन के गले में पहना देता है। वाह बेटे वाह, और अभी तो रुको। और तो और मुट्ठी भर सिंदूर से दुल्हन की मांग तक भर देता है। पर इतना सब जब हो रहा था तो दूल्हा, दूल्हे के घर वाले और रिश्तेदार क्या कर रहे थे? बस अलग अलग रिएक्शन देते साइड में खड़े थे। ऐसा नहीं कि कोई जाके उस बंदे को रोके, यहाँ तक कि दुल्हन भी बस मुंह का ओ बना के एक जगह खड़ी थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अगर ऐसा कोई इंसान रियल में करता, सब मिलके उसकी ऐसी धुलाई करते कि फिर दूसरों की शादी क्या, खुद की शादी में वरमाला पकड़ने में उसके हाथ थरथराते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 5 चांद का टुकड़ा कद्दू। तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ऐसे वादे करने वाले आपने और हमने बहुत देखे हैं, पर आज तक किसी के तशरीफ में इतना दम नहीं था कि वो सच में चांद तोड़ने की कोशिश करे। पर एक था जिसने ये करके दिखाया, और वो है स्टार प्लस के इस सीरियल का हीरो। उसने ये इसलिए किया क्योंकि इस सीरियल की हीरोइन ने सबके सामने, जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा, ये शर्त रखी है। मांग तो ऐसे रही है जैसे कि हलवाई की दुकान में 500 रुपए किलो के भाव से चांद बिकता हो। वुमेन। पर हमारा हीरो भी कम है के, ये देखो हीरो भी चांद को ऐसे रस्सी से खींच रहा है जैसे किसी पेड़ पे उगा फल हो। और इतनी खींचा तानी के बाद भी जब चांद धरती पर नहीं आता है तो ये साहब कार लेके चांद के पास चले जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पे खेत जनक मृत्यु होती है फिजिक्स के सारे लॉस की। अगर आज न्यूटन जी होते तो खुद के हाथ से नारियल उठा के खुद के सर पे फोड़ लेते। खैर चांद को मार पीट के बंदा चांद का टुकड़ा तो लाता है पर उसका भी कद्दू बनता है। इससे ज्यादा फनी सीन तो मैंने मेरे पूरे लाइफ में नहीं देखा था। नंबर 6 बंदूक पे पड़ी गुलेल भारी। बचपन में हर किसी ने गुलेल से तो खेला ही होगा, पर ये किसने सोचा होगा कि ये नकली गुलेल बंदूक का सामना करेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं जीतेगी भी। पर कहते हैं ना, जो ना देखे रवि वो देखे कभी। ऐसा ही कुछ हाल है सीरियल राइटर्स का, जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा भद्दे से भद्दा मजाक वो ऑडियंस के साथ कर देते हैं। अब यहाँ देखो, इस औरत का पति यहाँ घायल होके पड़ा है और दुश्मन ने उस पे बंदूक की नोक रखी है। ऐसे में एक साधारण औरत हार मान लेगी, पर हमारे इंडियन सीरियल की देवियां और इनका शार्प शूटर से शार्प दिमाग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेगा, और कर लिया। उन्होंने बालों से रबर निकाला, उसको गुलेल जैसे हाथों में पकड़ा और छोटू सा पत्थर लेके दुश्मन को मारा, और बस ब्रह्मास्त्र जैसे उस पत्थर अस्त्र ने अपना काम किया। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी के हाथ से बंदूक गिरी और फिर वो दुम दबा के भाग भी निकला। कुछ इस तरह से रबर बैंड के जुगाड़ू गुलेल ने बंदूक की हवा निकाल दी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वुमेन। ये सिर्फ हमारे टीवी सीरियल्स में ही हो सकता है। नंबर 7 लेडी बाहुबली। मामूली प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के उसके तोड़ू सॉल्यूशन निकालने की आदत हमारे सीरियल की हीरोइंस को तो है ही। दंगल चैनल के सीरियल नागबनी में जिसमें हीरोइन की माँ उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए पकड़ती है और फिर क्या, आम माओ के जैसे अपनी बेटी को पेड़ से बांध देती है ताकि वो फिर से उस लड़के से ना मिले। पर इधर ही माँ की गलती हुई। हालांकि माँ आम थी पर उसकी बेटी तो आम नहीं थी। अगर आम लड़की होती तो रस्सी से छूटने के लिए रस्सी को काटने की कोशिश करती या किसी भी तरह से रस्सी खोलने की कोशिश करती। पर यहाँ पे तो दीदी ठहरी लेडी बाहुबली। रस्सी वस्सी गई खड्डे में, दीदी ने पूरा का पूरा पेड़ ही अपने पीठ पे उठा लिया। इस 5 फुट वाली की करतूत देख के खुद बाहुबली भी शर्मा गया होगा। नंबर 8 कपड़े के ऊपर से की मलहम पट्टी। गोली मार घुटने में, दिमाग बंद पड़ता है। इस सीन में साफ साफ दिख रहा है कि गोली हीरो के घुटने में लगी है पर दिमाग हीरोइन का चलना बंद हो गया। कैसे, तो सुनो पूरी स्टोरी। यहाँ पे हीरो के घुटने को गोली लगने की वजह से वो पहले ही दर्द से परेशान है। इतने में हीरोइन को डॉक्टर डॉक्टर खेलने का मूड हो जाता है और बिना डिग्री के ये फर्जी डॉक्टर निकल पड़ती है इलाज करने। अब छोटे से छोटा बच्चा भी ये बता सकता है कि चिमटे की मदद से गोली निकालनी चाहिए, पर अपनी दीदी ठहरी सीरियल की हीरोइन। उठा ली उसने कैंची और उसे घुसेड़ा हीरो के
घुटने में। खैर जैसे तैसे गोली को घुटने से निकाल तो दिया, अब बारी आई ड्रेसिंग की। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, पर दीदी का सारा ऑपरेशन पैंट के ऊपर से ही चल रहा था, पर लास्ट में तो दीदी ने बेवकूफी की सारी हदें ही पार कर दी और पैंट के ऊपर से ही ड्रेसिंग भी कर दी। आई एम श्योर ये गलती से अगर किसी डॉक्टर ने देख लिया तो वो अपनी डिग्री फाड़ देंगे। पता नहीं कौन से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी फूंक के लिखे गए ये ऐसे ऊट पटांग सीन्स टीवी सीरियल्स में मैंने आपके सामने आज लाए थे। अगर और ऐसे रोस्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना देरी के मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।